मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर 13 चैप्टर ऑफ योर SST बुक। आवर 13 चैप्टर इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, संचार और परिवहन के साधन। टू टेक और कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ रोड, रेल, वाटर और एयर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कि लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों द्वारा, सड़कों, रेल, पानी और हवा के द्वारा ले जाया जाता है, उसे हम ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहते हैं। लॉन्ग अगो एनिमल्स वर यूज एज अ मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय पीपल। बहुत पहले पशु ही मानव या लोगों द्वारा जो परिवहन का साधन है उसके रूप में प्रयोग किए जाते थे। नाउ ए डेज अब के दिनों में देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल टू अस। हमारे पास बहुत सारे परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। इफ़ वी हैव टू ट्रेवल बाई रोड, अगर हमें सड़क द्वारा यात्रा करनी है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, वी कैन चूज फ्रॉम बाइसिकल, कार्स, बसेस, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस टू बी कवर्ड एंड टाइम एंड मनी अवेलेबल विद अस। तो हम साइकिल, कार, बस, बैलगाड़ी इत्यादि में से किसी को चुन सकते हैं, परंतु यह तय की जाने वाली दूरी, समय और हमारे पास कितना धन उपलब्ध है इस बात पर निर्भर करता है। वी कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वी हैव टू ट्रेवल ऑन वाटर, अगर हम पानी से यात्रा करते हैं, वी कैन गो बाय बोट्स और शिप्स, तो हम नाव और जहाज द्वारा कर सकते हैं। वी कैन ट्रेवल बाय एयर, अगर हम हवा द्वारा यात्रा कर सकते हैं तो हम एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे वी हैव वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। आज के समय में हमारे पास परिवहन के, यात्रा के विभिन्न साधन हैं, जो कि रोडवेज, रेलवे, जलमार्ग और वायुमार्ग हैं। फॉर शॉर्टर डिस्टेंस वी यूज रोड और रेल ट्रांसपोर्ट। छोटी दूरी के लिए हम रेल और सड़क यातायात का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी तय करने के लिए, एयर और सी ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड, हवा और समुद्री परिवहन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रोडवेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द रोड्स। जो हमारा परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो हमारी सड़कें हैं। इन इंडिया एवरी ईयर न्यू एंड बेटर रोड्स आर बीइंग बिल्ट। हमारे भारत में जो है हर साल नई सड़कें, नई और बेहतर सड़कें बन रही हैं। द रोड्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड यूज ऑल द ईयर आर कॉल्ड पक्का और मेटल रोड। जो सड़कें मजबूत हैं और जिन्हें पूरा साल इस्तेमाल में लाया जाता है, उन्हें हम पक्का या धात्विक सड़कें कहते हैं। दीज रोड्स आर यूज इवन इन द रेनी सीजन्स। ये सड़कें जो हैं यहाँ तक कि वर्षा के मौसम में भी इस्तेमाल की जाती हैं। रोड्स दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड कच्चा, और जो सड़कें बहुत मजबूत नहीं होती वो कच्ची सड़कें या नॉन मेटल रोड्स या अधात्विक सड़कें कहलाती हैं। दीज रोड्स आर डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल ऑन, स्पेशली इन द रेनी सीजन्स। इन सड़कों पर यात्रा करना कठिन हो जाता है, स्पेशली इन रेनी सीजन। आमतौर पर जो है वर्षा के मौसम में यहाँ पर यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। भारत में सड़कों का एक बड़ा जाल है। इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नेशनल हाईवेज। जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? नेशनल हाईवेज, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके द्वारा जुड़े हुए हैं। अदर हाईवेज कनेक्ट स्मॉलर सिटीज, टाउन्स एंड इवन विलेजेस बाय स्टेट हाईवेज। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे बड़े राजमार्ग हैं वो हमारे छोटे शहरों को, कस्बों को, यहाँ तक कि गाँवों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दीज हाईवेज आर यूज बाई पीपल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और फॉर ट्रैवलिंग। और ये राजमार्ग जो हैं लोगों के द्वारा सामान ढोने और यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
One of the oldest roads include the Grand Trunk Road built by Sher Shah Suri in 1542 CE. जो हमारी सबसे पुरानी सड़कों में से एक सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में बनवाई थी, वो सबसे पुरानी सड़कों में से एक सड़क है. दिस रन्स फ्रॉम पेशावर टू कोलकाता, और ये सड़क जो है पेशावर से कोलकाता तक जाती है. टनल्स आर डग थ्रो हिल्स इन द माउंटेन रीजन टू मेक रोड्स एंड रेलवे लाइन्स. टनल यानी सुरंगें खोदी जाती हैं जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पहाड़ों को या चट्टानों को काटकर सुरंगें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पर सड़कें और जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जा सके. सो दैट द बसेज एंड ट्रेन्स कुड ईजिली पास थ्रू दैम, ताकि जो बस हैं और हमारी रेल है वो उनके अंदर से आसानी से गुजर सके. ब्रिजेज आर बिल्ट अक्रॉस रिवर इन द कोल्डर रीजन्स, जो पुल हैं वो ठंडे इलाकों में नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं. स्नो हैज टू बी क्लियर ड्यूरिंग विंटर टू मेक द रोड्स यूजेबल, जो बर्फ़ है वो समय समय पर साफ की जाती है सर्दियों में ताकि उन सड़कों को प्रयोग में लाया जा सके. सिंस द रोड्स कैरी फूड ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर आइटम्स ऑफ डेली नीड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दे आर कंसाइडेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सड़कें हमारी जो है अनाज फल सब्जियां और अन्य जो ज़रूरत के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश में पहुंचाने होते हैं, इसलिए जो रोड्स हैं हमारी सड़कें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज यानी रेल यातायात. द रेलवे इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्ट परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है. रेलवे इज ऑल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड, जो रेलवे है वो यातायात का सबसे सस्ता साधन है लंबी दूरी को भूमि पर तय करने के लिए. द ब्रिटिश हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत में सबसे पहले जो रेल है वो चलाई थी. द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज बिल्ट इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने. जो फर्स्ट रेलवे है जो पहली रेलवे है वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में बनाई गई थी. Since then, the railway network in India have expanded to become the fourth largest in the world and the largest in Asia. इसके बाद जो रेल का जाल है जो भारत में इस तरीके से फैला है कि यह अब विश्व का चौथा बड़ा और एशिया का सबसे पहला जाल है. Initially, steam engines were used to run the train. पहले जो है भाप के इंजन को जो है रेल चलाने के लिए प्रयोग किया जाता था. नाउ ए डेज ट्रेन्स रन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेन जर्नी हैव बिकम मोर कंफर्टेबल एंड मोर फास्टर एंड बेटर देन रोड ट्रांसपोर्ट. अब के समय में जो है वो बिजली की जो रेल है वो चलाई जाती है और रेल द्वारा यात्रा करना पहले से ज़्यादा सुविधाजनक, पहले से ज़्यादा तेज और पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है सड़क परिवहन के मुकाबले में. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इसका सेकंड हाफ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रफ नोटबुक में राइट करके सेल्फ चेक करना है. थैंक यू.